नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और इस संकल्प का एक्नोलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है।